नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनी है। स्वागत है आपका गौरमे जॉब पॉइंट के इस नए और एक्साइटेड वीडियो में। दोस्त, जैसे कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही चुका होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले बीएसएफ ट्रेडमैन की अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई आपके लिए। अगर आप बीएसएफ में जाकर उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जीवन को संजोना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से तक देखिएगा दोस्तों। नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया गया है। योग्यता जो मांगी जा रही है मेरे भाई, 10वीं पास मांगी जा रही है। उम्र सीमा 18 से 23 साल रखी गई है। ओबीसी वाले को 3 साल छूट और एससी एसटी वाले को जो 5 साल छूट मिलती है वो भी बिल्कुल यहाँ पर दी जा रही है दोस्तों। फॉर्म दोस्तों, सबसे पहले जरूरी बात, आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते, पूछते हैं भाई फॉर्म कहाँ भरे। मैंने ऊपर ही लिख दिया, फॉर्म भारत के किसी भी हिस्से से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर दोस्तों। और दोस्तों, ये फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन शुरू कब से होगा हम पूरी जानकारी देंगे वीडियो में, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। पहली बार चैनल पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ताकि मैं जब भी इसके रिकॉर्डिंग या किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब के रिकॉर्डिंग वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। अब किसी भी तरह की वैकेंसी जो आती है दोस्तों, काफ़ी सारी वैकेंसी ऐसी आती है जिन्हें हमें पता नहीं होता, हम उससे छूट जाते हैं। ऐसे किसी भी तरह की वैकेंसी जब छूटे नहीं, आपके आपके जॉब के बीच में कोई डिस्टेंस ना हो, हम सारी बातों को मिलाकर एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्त, अगर सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेडमैन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ अन्य अकेडमी के लर्निंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए। यहाँ 10 से 15 हज़ार बच्चे हर रोज क्लास कर रहे हैं दोस्तों, और दिन पर दिन संख्या दोस्तों हर रोज बढ़ती जा रही है। तो आप भी आइए, आकर आराम से कर सकते हैं अन्य अकेडमी के लर्निंग एप्लीकेशन ऐप पर। सिंपल सा गूगल के प्ले स्टोर से अन्य अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करके सर्च बटन में सन्नी कुमार सिंह या गौरमे जॉब पॉइंट सर्च मार के मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास का आनंद उठा सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री में। हम आपसे यहाँ एक पैसा नहीं लेते हैं, एक पैसा नहीं लेते हैं। इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं या सीधा सीधे गूगल के प्ले स्टोर से भी जाकर कर सकते हैं दोस्तों। अब आते दिखाते हैं आपको पीडीएफ। दोस्तों, जो वैकेंसी आई हुई 1074 पोस्टों की आई हुई, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा दोस्तों, वैकेंसी काफ़ी सारी है, अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग है दोस्तों। ये वाटर कैरियर, स्वीपर, कुक, सारी वैकेंसी आप जिसमें जाना चाहते हैं उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पे स्केल देख सकते हैं 5200 रुपये और 20200 रुपये का पे होगा, 5200 रुपये ग्रेड पे ये सारे होंगे। अब आगे बात करते हैं एज लिमिट क्या क्या मांग रहा है, पूरी क्राइटेरिया हम आपको बता देते हैं दोस्त। पहले फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं हम, तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए देखिए यहाँ पे कुछ छूट दी गई है। अगर आप मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश से, सभी राज्यों से, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, यहाँ से हैं, तो आपको यहाँ छूट दी जा रही है। 165 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए मिनिमम, और सीना जो होना चेस्ट 78 से 83 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे अदर पूरे भारत से आप किसी और हिस्से से हैं, अगर दूसरे राज्य से हैं, तो आपका जो हाइट होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर और सीना जो होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, 78 से 83 दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो वेट है आपके हाइट के हिसाब से यहाँ पर नापी जाएगी, हाइट और एज के हिसाब से आपकी वेट नापी जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें दोस्तों। इसमें जो रनिंग होगा वो 5 किलोमीटर का होगा, 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट के अंदर इसको पूरा करना होगा, ठीक है। और भी एक चांस में पूरा करना होगा, एक चांस मात्र आपको दिए जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए। और आगे बात करते हैं वहीं दोस्तों, इसकी बात करें रिटेन टेस्ट की, तो रिटेन टेस्ट दोस्तों 100 नंबर की होगी और इसमें 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। जनरल से आपको तो मिनिमम 35% और ओबीसी, एससी और एसटी से तो मिनिमम 33% आपको मार्क्स यहां पे लाने होंगे, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इसको, हाँ यहां पर देख सकते हैं 33% लाने होंगे, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल इकोनॉमिक्स, यही सब सारे आपके जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं सिलेबस, इसी के अनुसार आएंगे। जो भी सिलेबस आएगा 10th बेसिक पाएगा, यानी 10वीं के जो क्वेश्चन पेपर उसके अनुसार ही दोस्तों आएगा। इसके लिए आपके टाइम दोस्तों 2 घंटे दिए जाएंगे, यानी 120 मिनट के आपके एग्जाम होंगे दोस्तों, ठीक है। निगेटिव मार्किंग के बारे में दोस्तों पीडीएफ में कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप सोच के समझ से आगे मान के चल सकते कि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ना लिखा कि नहीं भी नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, तब मान के चले नहीं होगा। दोस्तों, उम्र सीमा की बात करें हम, तो उम्र सीमा इसमें दिया गया है 18 से 23 साल। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से जो आपको छूट मिलती है वो दी जाएगी, यानी कि 3 साल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5 साल यहाँ छूट दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। वहीं दोस्तों, हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, तो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास हो, तो उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी भी ट्रेड में फॉर्म भर रहे हैं तो।
आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी अनिवार्य है, तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के जो कहाँ भेजना है तो आपको बता दें, देखिए फॉर्म ऑनलाइन करके इस एड्रेस आपको सेंड करना है अपने अपने राज्य के BSF के हेडक्वार्टर में, ठीक है। आप जिस राज्य के हैं तो उस हेडक्वार्टर में आपको जाकर यहाँ पर फॉर्म को सेंड कर देना है दोस्तों, ठीक है। और इसे बिहार के हैं तो बिहार के लिए 6 नंबर पर देख सकते हैं, IGBSF नॉर्थ बंगाल, और इसका एड्रेस यहाँ पे ये रहा दोस्तों, तो यहाँ पर आप जाकर सेंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, मैं हटा देता हूँ, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप किसी और राज्य से हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से वहाँ देख सकते हैं आप किस राज्य से हैं, वहाँ का जो एड्रेस है वो कहाँ मिलेगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सके, वंचित न रहें इस जानकारी से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी में लगे रहिए। किसी भी तरह के सवाल हो आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।